तो पके हुए केले की आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं। अगर आपके घर पर कभी पके हुए केले वेस्ट भी होते हुए होंगे ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर पर कभी पके हुए केले वेस्ट नहीं होंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार सी पके हुए केले की रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब एक पैन लेंगे और इसमें हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम लेंगे 1/3 कप बारीक वाली सूजी। आपके घर पर बारीक या मोटी जो भी सूजी हो आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सूजी को हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है, तो मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम बराबर भूनते रहेंगे। तो यहाँ आपको कलर चेंज दिखाई देने लगा होगा, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो सूजी का कलर अच्छा से गोल्डन सा हो गया है। बस हमें इससे ज़्यादा सूजी को नहीं भूनना है, इस तरह से ही भूनना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सूजी को अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ एक बर्तन में हम अलग कर लेते हैं सूजी को, क्योंकि अभी हमें बाकी और भी तैयारी करनी है। तो यहाँ सूजी हमने अलग कर ली है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं हम। तो यहाँ मैंने 4 पके हुए केले लिए हैं और केले को हमें पील कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस पके हुए केले की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो यहाँ चारों ही केले हमने आपको पील कर दिखा दिए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाते हैं। अब सेम वही पैन लेंगे और इसमें हमें रखने हैं केले, क्योंकि केलों को अभी हमें पकाना है। तो केले हम इसमें रख देंगे और केलों को रखने के बाद अब इसमें हमें डालना है 1 कप दूध। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम दूध के साथ में ही इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो दूध हमें 1 कप इसमें डाल देना है और दूध के साथ में ही ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब दूध को हमने डाल दिया है, हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल सा आने लगता है ना, तो गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि हमें केलों को गलाना है। तो अब हम स्लो फ्लेम करते हुए इसे कवर कर देंगे। कवर करके स्लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ेंगे, क्योंकि हम 2 मिनट बाद फिर चेक कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, केले बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पैचुला से दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी जल्दी से ये टूट रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। तो आप स्पैचुला से इसे मिक्स कर लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर मेशर हो ना तो मेशर से आप इसे मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह के मेशर से फटाफट से आप इसे दूध में ही केलों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने केलों को दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे अब हम अलग कर देंगे, क्योंकि अब इसमें हमें डालना है डेसिकेटेड कोकोनट। तो 3 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर। आप 3 चम्मच भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और हमने यहाँ जो सूजी को भून कर रखा है ना, वो भी इसमें डाल देंगे। और डालकर सारी चीज़ों को एक साथ में ही अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, क्योंकि सूजी को अभी हमें अच्छे से सारी चीज़ों में फुला लेना है। तो अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए, और अच्छे से फूलने के बाद ये डो फॉर्म में आ जाए। जब तक बराबर इसी तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी हुई है, तो मीडियम हाई फ्लेम पर बराबर चलाते रहना है हमें। और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए ही हमें इसमें डालना है 1/2 कप चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसी खाते हैं आप रख सकते हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे इलायची एसेंस, आप इसके बजाय इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डालूंगी इलायची एसेंस की, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। चीनी को सारी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम डो फॉर्म में ले आएंगे। तो अब गैस की फ्लेम हम मीडियम हाई रखे हुए हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर ही बराबर चलाते रहेंगे। तो अभी चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, बराबर चलाते रहेंगे तो ये डो फॉर्म में आ जाएगी। तो बराबर इसी तरह से चलाते रहेंगे, जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है ना, तो हम एक बर्तन में इसे गरम ही गरम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखकर छोड़ेंगे। तो 10-15 मिनट के लिए डो को ठंडा होने के लिए मैंने रखकर छोड़ा था, और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो अच्छे से हम इसे
मिला लेंगे, चिकना कर लेंगे। तो चिकना करने के लिए थोड़ा सा हम हाथों पर घी लगाएंगे और घी लगाते हुए ही हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और अच्छे से चिकना कर लेने के बाद हमें इसे टिक्की वाला शेप देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डो बिल्कुल चिकना होकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम बिल्कुल पोर्शन तोड़ेंगे और बहुत ही आसानी से ये टिक्की बन जाती है। देखिए इस तरह से हमें बनानी है। और यहाँ हम एक स्ट्रेनर लेंगे जिससे हम पापड़ भजिए फ्राई कर कर निकालते हैं ना, बस वही स्ट्रेनर लेना है और इससे हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है। देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है। तो इसी तरह के हमें डिज़ाइन देते हुए सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप चाहें तो सिंपल भी इसे बना सकते हैं या फिर और कोई भी आप इसमें डिज़ाइन देकर भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी स्ट्रेनर से डिज़ाइन देते हुए सारी टिक्की बना लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो फटाफट से हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। 4 केलों में हमने काफ़ी सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले से ही गर्म पर रख दिया था, एकदम से हमें डीप फ्राई नहीं करना है। मैंने यहाँ कम ऑयल ही रखा है पैन में। अब मीडियम हाई फ्लेम पे सारी टिक्कियों को हम रखते जाएंगे और इसे हमें अच्छा मीडियम हाई फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। और बहुत ही जल्दी हमारी जो ये रेसिपी है ना, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। और जैसे ही कलर एक साइड से अच्छा आता है ना, तो दूसरे साइड भी फ्राई होने के लिए फ़्लिप कर देंगे। बहुत ही इजीली ये फ्लिप हो जाती है। तो देखिए आप, अच्छा सा कलर आ गया है और दोनों ही साइड से अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो हम निकालते जाएंगे, जो फ्राई होती जाएगी ना उसे हम निकालते जाएंगे। और सेम इसी तरह से दूसरा बेज भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे खस्ता टिक्की कहें या फिर आप इसे मिठाई कहें या फिर गुलाब जामुन कहें, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि लगेगा ही नहीं आपने इसे केले से बनाया हो। और बहुत ही कम खर्चे में आप इस स्वीट रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और सेकंड बेज भी फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। अगर आप इसे गुलाब जामुन की तरह खाना चाहते हो ना, तो आप इसकी चाशनी बनाकर चाशनी में डिप कर देंगे ना, तो बिल्कुल ये आपको गुलाब जामुन जैसी ही लगेगी। अगर आप इसे गुलाब जामुन की तरह बनाना चाहते हो तो पहले से चीनी ऐड मत करिएगा। जिस तरह से मैंने पहले से चीनी ऐड करके आपको फ्राई कर दिखाया है ना, तो आप उसी सेम रेसिपी में चीनी को स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसे फ्राई करके चाशनी बनाकर इसे डिप कर दीजिएगा, तो बिल्कुल यह आपको गुलाब जामुन जैसी ही लगेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंदर से कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अगर चीनी के साथ में ही फ्राई कर इसे बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाहें तो चाशनी बनाकर गुलाब जामुन जैसा बनाकर एंजॉय करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपके घर पर अब केले वेस्ट भी होते होंगे ना, तो इस रेसिपी को देख के बाद आपके घर पर केले अब वेस्ट नहीं होंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार सी केले की रेसिपी कैसी लगी।